गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 5 कारक। कारक, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द के संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उस वाक्य की क्रिया, जैसे कोई शब्द होता है उसकी क्रिया का मालूम चलता है और उससे क्या संबंध प्रकट होता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के चिन्हों को हम विभक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्त कहते हैं। हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं, उनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं। ये आपको दिख रहा है ना बेटा, ये कर्ता, ये नाम है कारक और ये उनके चिन्ह हैं। ये नाम है और ये उनके चिन्ह हैं, ठीक है। पहला है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता कौन है? खुद स्वयं, जो जिसने कार्य किया है। कर्ता ने कर्म को, कर्म मतलब दूसरे वाले को, है ना, कारण से या के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से या अलग होने में, अर्थ में संबंध का, की, के, रा, री, कि उससे संबंध का भी मालूम चलता है अपने को, अधिकरण में, पर संबोधन, हे, ओ, अरे, हो, अरे तुम कहाँ जाए हो, ये वाक्य जैसे अरे ओ इधर आओ, ऐसे नहीं, और सुनो तो इस तरीके से। अब हम पढ़ते हैं कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम कि जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं। मैंने पहले भी बोला था, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं। इसका चिन्ह है ने। इसका चिन्ह क्या है? ने। इसका चिन्ह है ने। किसका चिन्ह है? ये कर्ता का, ठीक है। जैसे मोहन ने खाना खा लिया, इस वाक्य में खाना क्या है? क्रिया। इस क्रिया का मोहन ने क्या है, ये किसने करी है, कौन सी क्रिया किसने करी है, ये क्रिया। अब इसमें क्रिया क्या है? मोहन। क्रिया क्या है? सॉरी, खाना और मोहन, और ये क्रिया किसने करी है? मोहन के द्वारा करी है, इसलिए मोहन कौन हो गया? मोहन तो हो गया कर्ता, और क्रिया हो गई कर्ता, और क्रिया हो गई खाना, है ना। तो ये क्रिया जो है किसके द्वारा करी गई है? मोहन के द्वारा, मोहन ने। तो इसका चिन्ह क्या है? मोहन ने। कर्ता कौन है? मोहन, ठीक है। कर्म कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कारक कहते हैं। कारक कहते हैं, इसका चिन्ह को है। ये कभी कभी छिपा भी रहता है, जैसे राम पानी पीता है। इस वाक्य में पीने की क्रिया का प्रभाव पानी पर पड़ता है। पीने, पीना क्या हो गया? क्रिया, है ना, उसका प्रभाव कौन है? पानी। अतः पानी कर्म कारक है, है ना, समझ में आ रहा है? क्या वाक्य था? राम पानी पीता है। कर्म कारक कौन है? पीना, पानी, है ना। क्रिया क्या है? पीना। इस तरीके से करण कारक, जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह, इसका चिन्ह होता है से तथा के द्वारा। मोहन कलम से लिख रहा है, मैं किताब से पढ़ रही हूँ, है ना। इस वाक्य में लिखने की क्रिया क्या है? कलम की सहायता ली गई है, अतः कलम क्या हो गई? करण कारण, जिससे पढ़ा रहे। अब मैंने वो दूसरा वाक्य बोला, मैं किताब से पढ़ा रही हूँ, तो मेरा करण कारण कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? पुस्तक। समझ आ रहा है? संप्रदान कारक, संप्रदान कारक जिसके द्वारा किसी क्रिया का, किसी क्रिया को किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। जिनके चिन्ह के लिए, जैसे वह अपने भाई के लिए अमरूद लाया है। वह क्या लाया है? अपने भाई के लिए
अमरूद लाया है। इस वाक्य में लाने की क्रिया भाई के लिए की गई है, अतः भाई क्या हो गया? संप्रदान। इसमें भाई कौन सा हो, क्या हो गया बेटा? संप्रदान। ठीक है, फिर है अपादान कारक। जिस वस्तु से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अपादान, है ना, कारक कहते हैं। इसके चिन्ह से, इसका चिन्ह क्या है? से। जैसे पेड़ से फल गिरा, से मतलब अलग होना, इसका मतलब क्या है? अलग होना, है ना, अपादान मतलब अलग होना। पेड़ से फल गिरा, वाक्य में गिरने की क्रिया पेड़ से हुई और गिरने पर फल पेड़ से अलग हो गया, सेपरेट हो गया, है ना, अतः पेड़ क्या हो गया? अपादान। किससे अलग हो गया? पेड़ से। क्या अलग हो गया? फल अलग हो गया, तो पेड़ क्या हो गया? अपादान, जिससे अलग होना है ना। फिर आता है संबंध कारक। दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संबंध दिखाने के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है, जिसके चिन्ह हैं का, की, के, रा, री, रे, है ना। दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने का जो संबंध चिन्ह होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे सुधीर मेरा भाई है, इस वाक्य में सुधीर का संबंध मुझसे है, दो वाक्य हो गया, मेरा भाई है सुधीर, है ना, अतः मैं और मेरा क्या हो गया? संबंध कारक। मेरा कौन हो गया? संबंध कारक। फिर आता है अधिकरण कारक। कौन सा कारक आता है? कारक आता है अधिकरण कारक। वाक्य के शब्द से जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है अर्थात जिस स्थान पर कोई काम होता है उसे अधिकरण कार्य कहा जाता है। इसके चिन्ह है में तथा पर। कौन कौन से? में और पर। वह कुर्सी पर बैठा है। कहाँ बैठा है वो? कुर्सी पर। क्या क्रिया है? बैठना। इस वाक्य में बैठना क्रिया का आधार है। आधार क्या है? कुर्सी। अतः कुर्सी क्या हो गई? अधिकरण, है ना। बैठना क्या हो गया? क्रिया। और वो कुर्सी क्या हो गई? अधिकरण कारक। फिर आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक जिस शब्द से के द्वारा किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। अरे तुम कहाँ, सोहन तुम कहाँ और कब आए? इस वाक्य में अरे और सोहन संबोधन कारक है। अरे और जिसको नाम लेके बुलाया गया है, चाहे वो सोहन हो, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, कोई भी हो, वो क्या कहलाएगा? संबोधन कारक कहलाएगा। आज इतना ही पढ़ेंगे हम। आपको होमवर्क इसमें यही है कि आप इसकी रीडिंग को लगाएं। कल मैं इसके आगे पढ़ाऊंगी और इससे संबंध में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। ठीक है, आपको ये चैप्टर रीड करना है।